नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वैचायानं नमो लोये सर्वसारूढं। बोलो शासन नहीं भगवान महावीर स्वामी की। बोल रहे हैं कि देवादिदेव 1008 श्री और शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। विषय सागर का और राहु का संयोग बन गया। धरती पर प्रलय मचाने का उनकी रणनीति बन गई। जो उस प्रलय को रोकने वाला है ऐसे दबा करके प्रतिद्वंदी बन गए और प्रतिद्वंदी बन जाने के कारण से दोनों मिलकर के प्रलय की एक भावना और एक दिवाकर से अपना शक्ति परीक्षण करने की योजना चल रही है और धरती पर कैसे भी हो प्रलय मचाना है। उसी प्रसंग को यहाँ पर पढ़ते हैं। पेज 237 को हम निकालते हैं। धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा? अगर आप धरती का विलय कर दोगे तो घर किसको बनेगा? किसी का नहीं मिलेगा। और कहाँ वह जीवन साधन, कहाँ ये जीवन जीने का साधन रहेगा? क्योंकि अगर तुम्हारा आधार ही नहीं रहेगा तुम्हारा आधार कैसे होगा? जिसका तुम विनाश करना चाह रहे हो तो तुम उसको क्या करना चाह रहे हो? धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा और कहाँ वह जीवन साधन, कहाँ वह जीवन का साधन भी? धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा? अगर धरती की विजय होती तो सबको अभय मिलेगा। किसे ना मिलेगा? प्रश्नवाचक है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सियान था सबको। और यहाँ जीवन साधन, और यहाँ जीवन सा धन, जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर व्यक्ति के पास जीवन नहीं हो, धनिया धन खो हो, तो आप क्या कहते हो? भैया लाख बच्चे से जान बच्चे से लाखों पाए। अगर लाखों जोड़ ली और जान नहीं रही हो तो, अगर जीवन नहीं है तो तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपया कोई काम के नहीं है। वही बात कि अगर तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, जीवनत्व पना है, तो समझ लेना तुम्हारा धन सबसे बड़ा है। तो यहाँ जीवन सा धन, ये जीवन से बड़ा और कोई दूसरा धन नहीं है। हमें तुम्हें और उन्हें, हमें मुझे, तुम्हें तुम्हारे लिए और उन्हें जो आने वाले हैं, जो यहाँ नहीं है उन्हें भी, तीनों का है ना। हमें हो गया, तुम्हें हो गया और आने वाले संतति के लिए भी है ना। यहाँ कोई चाहे जिन्हें, हाय यहाँ कोई चाहे जिन्हें, यहाँ कोई चाहे उन्हें जिन्हें, जिन्हें जिन्हें कोई चाहे जिन्हें, हाय परंतु कहाँ प्राप्त है इस विचार का विस्तार इन्हें, क्योंकि यहाँ प्राप्त इन लोगों के अंदर ऐसी विचार नहीं है। इन लोगों का विचार कुछ दूसरा है। इन लोगों का तो मात्र इन्हें किसी की चिंता नहीं, इनको तो एक ही काम है कि इस धरती पर प्रलय मचाना है, इस द्रवा करके सूर्य के प्रवाह करके प्रवाह को रोकना है।
ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। विचार का विस्तार इन्हें कहां प्राप्त है, इन्हें विचार का विस्तार इन्हें कुटिल व्याल चाल वाला, व्याल का अर्थ होता है सर्प, है ना, कुटिल व्याल, व्याल का अर्थ यहाँ पे सर्प है। सर्प कभी सीधा चलता, वो कैसा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा है, वैसे ही कुटिल व्याल चाल वाला ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला वह सर्प, कराल काला गाल वाला, कराल ऐसे बहुत बिल्कुल जहरीला है, काल जैसा मारने के मजे के लिए ऐसा काल है कि वह अगर जिसको काट दे तो उसका जीवन बचने वाला नहीं है, इसलिए कराल काल यानी भयानक, काल गाल वाला जिसके गाल कैसे हैं, जहरे से भरे हुए हैं, ऐसा साधु बल से रहत हुआ यानी अच्छे बल से हुआ रहत है, बाहुबल से सहत हुआ, साधु बल और बाहुबल का अर्थ क्या होता है, साधु बल जो होता है साधु के पास शारीरिक बल नहीं होता, उसके पास होता है आत्मिक बल, सज्जन के पास अच्छे विचारों का बल हुआ करता है। एक सज्जन व्यक्ति होता है वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा करता है, अच्छी सोच वाला हुआ करता है, और जहां अच्छी सोच हो वहीं पर उसका साधु बल से रहत हुआ यानी उसके अंदर किसी के परोपकार की भावना आती जैसी नहीं है, हित की पर हित की भावना उसके मन में नहीं है, हमेशा बुरा करने के भाव, इसलिए साधु बल यानी अच्छा सात्विक बल से रहत हुआ और बाहु बल से सहित हुआ यानी उसकी शारीरिक बल और इस प्रकार की बात जो उसने बढ़ा के रखी है ऐसे बाहु बल से वह सदन हुआ। और आगे कहा करा है, बराय राय की राही राहु, बराय किसे कहते हैं, सुकर को, सुअर है ना, उसका एक साहित्यिक नाम क्या है, बराह, राय का राही राहु, एक राहु की चाल हुआ करती, जैसे आपने सुकर को देखा होगा, सुकर कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागता, कैसा भागता है, सीधा, और जिस समय ऐसा चलता है बिल्कुल चलता ही जाता है, वो आगे पीछे नहीं देखता कि क्या होगा, कई बार देखते हैं कि उसको चाला उसने दौड़ लगाता तो फिर वो नहीं देखता कि कहाँ कैसा होता, भिड़ जाता है और उसकी चपेट में जो भी आए तो उसको भी गिरा देता। कई बार अपन जब जाते बाजार आजार में, अब तो आज तो थोड़े से अब तुम्हारे सागर में कम हो गए, नहीं तो पहले बड़े बाजार में नकल वो मुश्किल काम था, बोरा जी के पास आस पास है ना, ईसाई एरिया में जहाँ देखो सबसे ज्यादा थे, और कई बार तो एक बार तो मुझे मालूम है कि मैं आर्चरिया को निकला तभी अचानक एक भागता भागता किसी के उसके पीछे कुत्ते पड़े होंगे, और भागता भागता आया और मेरा गेट से निकलना हुआ मोरा जी के, है ना, और उधर से उसका बल अगर थोड़ा सा भी अपन सावधान नहीं होते तो सीधा जाकर के वो तुम्हारे लिए गिरा देता है, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत होती है उसके शरीर में, ये मत सोचना कि शक्ति नहीं होती, छोटा जरूर है पर शक्तिशाली बहुत होता है, और ऐसे जब गिराता है तो उसका क्या होता है सर, अब आपको बताऊं, आचार्य श्री का पूरा हम लोगों का बिहार चल रहा था बरेली से बिहार की पिपरिया होकर के, पिपरिया हो पिपरिया से होशंगाबाद, तो पिपरिया में नगर प्रवेश हो रहा था आचार्य श्री का,
मुनि श्री समय सागर जी महाराज पीछे चल रहे थे थोड़े से, और वहां का आजू बाजू भीड़ भाड़ बहुत थी। तभी दो सुअर जो थे अब भीड़ भाड़ में बाजे आजे, उसमें किसी ने उसको भगाया, वो उधर से भागा, वो उधर से भागा, उसकी कुछ समझ में नहीं आए और पूरे संघ के बीच में इधर से वो निकला, उधर से हम लोग महाराज जी और हम लोग पीछे थे, और वो आया और सीधा समय सागर जी महाराज के पैर पे लगा, महाराज वहीं पर गिर गए। उनके हाथ में बहुत जब ऐसे वो गिरे, और गिरते ही उनके हाथ बिल्कुल बिल्कुल गदिया में ऐसा, अब जैसे गिरे जहां नीचे लगा तो वहां पत्थर होगा, वो पत्थर जाकर के हाथ में चुभ गया। गिरने के बाद पैर भी छिल गए। तो ये होते हैं इनकी चाल, ये कभी ये नहीं झुकते के सामने कौन है, ये तो घुस जाते सीधे। इसलिए वराह राह का राही राहु, जैसे सुअर की चाल होती वैसे राहु की चाल, वो भी कुछ नहीं देखता। ज्योतिष में एक विशेषता बताई है, उन्होंने ये मानते हैं कि राहु और केतु एक व्यक्ति का नाम था। अब हुआ ये कि उसका किसी कारण से गर्दन अलग हो जाती है, तो अकेले गर्दन को राहु कहते हैं और केतु जो है उसका नीचे का धड़ होता है। तो उसने कहा कि राहु देखता तो है पर उसकी चाल बिल्कुल एक सी होती है, पर केतु के पास दृष्टि नहीं होती, वो तो उसका क्या है, बस जिससे हाँ चल जाए, अच्छाई के क्षेत्र में चल जाए तो अच्छा ही अच्छा होगा, और बुराई के क्षेत्र में चल जाए तो फिर संभालना मुश्किल होता है। उसकी चाल एक तरफा होती है, दो तरफा रुकने वाला। तो ऐसी वराह राह का राहु, राही राहु, हिता है तो विवेक वंचित, हित और अहित के विवेक से कैसा है वंचित है, स्वभाव से क्रूर क्रुद्ध हुआ, स्वभाव से क्रूर भी है, क्रुद्ध हुआ, डरा हुआ, क्रोधित है। क्रूर स्वभाव नियम से क्रोधित तो होता ही है। जिनके मन में हिंसा करने के भाव हो, जिनको मारने सताने के भाव हो, ऐसे व्यक्ति के मन में क्रूरता अगर नहीं आएगी तो क्या होगा, नियम से क्रूरता पूर्वक ही हिंसा की प्रवृत्ति हुआ करती है। इसलिए कहा जाता भैया परिणामों में थोड़ी शांतता रखो, समता रखो, अगर क्रूरता रहेगी तो आपको अशांति का अनुभव है। किसी के कारण से, किसी द्रव्य के अभाव के कारण से हम इतने आक्रोशित हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मोह मेरे पास नहीं तो वो किसी के पास नहीं, उनको क्यों गई। आज विवाद झगड़ा किससे हो रहा है, एक भाई कहता है उसको मकान बड़ा दे दिया, मुझे मकान छोटा दे दिया, यही आक्रोश भरा पड़ा है। एक कहता है उसको बड़ा प्लाट मिल गया, हमें छोटा प्लाट मिल गया, ये भी आक्रोश पड़ा पड़ा है। सुनिए विवाद की, इसलिए कि वराह राह का राहु राही राहु, हिताहित विवेक वंचित होता है, स्वभाव से क्रूर और क्रुद्ध हुआ, रुद्रपूर्ण रुष्ट हुआ, रुद्रपूर्ण रुष्ट हो गया, रुद्रपूर्ण है, रुद्रता से भरा पड़ा है, कोलाहल किए बिना बिना हल्ला मचाए, जिनके अंदर ऐसा होता है ना, कोलाहल किए बिना, एक दो कवल किए बिना, बस साबुत ही निकलता है प्रताप पुण्य प्रभाव करके, छोटी मोटी नहीं, ऐसे आकर के पूरा का पूरा उसको ग्रास बनाने की जरूरत है। वो एक दो कवल, कवल करते यहाँ पे ग्रास किए बिना, केवल कवल बनाने बिना, बस सावत ही निकलता है प्रभा पुण्य प्रभा कर को, जब उसने जिसे अपन कहते हैं ग्रहण पड़ गया,
जाकर के राहु उस सूर्य के नीचे आ जाता है तो उसकी प्रभाव को कुछ समय के लिए रोक देता है। क्यों? कारण क्या है? देखो राहु का विमान काला है और सूर्य का विमान कैसा है? चमकीला है, ये आप देख ही रहे हो। अब हुआ है कि ऐसे लाइट के उसमें नीचे से काला विमान आ गया, राहु ने क्या कर दिया? उसके प्रभाकर को जोड़ दिया। ऐसा लग रहा है उसके ग्रहण का योग हो गया, प्रताप पुंज प्रभाकर को उसने निगलता है। तो उस समय क्या परिणति होती है धरती पर, कैसा होता है माहौल? तो सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा। देखो एक सागर में जैसे एक बूंद समा जाती है, सिंधु में बिंदु सा, जैसे एक बेटा बालक छोटा बालक है, खेलते खेलते कहीं से कोई डर होता है कहीं होता है तो धीरे से जाकर के माँ की गोद में छुप जाता है, माँ की गहन गोद में शिशु सा, उस बालक सा। राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर, बिल्कुल जैसे माँ की गोद में बच्चा छुप जाता है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही वैसे ही राहु के गाल में समा हुआ वह भास्कर दिनकर द्रोहित हुआ सो। दिनकर कैसा हुआ? द्रोहित यानी अवसादित जैसा हुआ, डर गया। दिन का अवसान सा लगता है, अंधेरा सा छा गया है, ऐसा लगता जैसे दिन का अवसान सा लगता है। दिखने लगा दीनहीन दिन, अंधेरा सा छा गया, दुर्दिन से घिरा दरिद्र ग्रही सा। जैसे मुसीबत के समय में किसी के साथ जब मुसीबत आ रही हो तो ऐसे गृहस्थ जिस समय मुसीबत के समय बहुत चारों तरफ से विपत्तियां आ रही हो, एक शारीरिक विपत्ति होती है, एक मानसिक विपत्ति होती है, एक संपत्तिकृत विपत्ति होती है। विपत्तियां कितने प्रकार की हो सकती है? एक शारीरिक विपत्ति, शारीरिक विपत्ति क्या है? ये बीमारी है, तरह तरह के रोग है, तरह तरह के कष्ट हैं, तरह तरह की पीड़ाएं हैं, ये शारीरिक विपत्तियां हैं। ऐसे समय में जब किसी को कोई पीड़ा होती है शारीरिक, कोई से पूछा क्या भाई क्या हो गया, उसका चेहरा ऐसा बिल्कुल निढाल उतरा सा, देख करके भी ऐसा लगता है जैसे बहुत दुखी है बेचारा। तो कोई उससे पूछता है क्या भाई क्या होगा, अरे भैया मत पूछो बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा है, ऐसा ये कहलाती है शारीरिक विपत्ति। सब कुछ साधन है, सब कुछ घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करें ये बीमारी हमें सुख से जीने नहीं देती, ऐसा वह कहता है। हम बहुत दुखी हैं शरीर से, और सब कुछ है घर में, भरपूर साधन है, पैसा है, संपत्ति है, लेकिन शारीरिक रूप की संपत्ति सुख की संपत्ति नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा? तो वही है दुर्दिनों से घिरा दरिद्री सा ग्रही, दरिद्री दुर्दिन यानी बुरे दिन, विपत्ति के दिन। ऐसे एक मानसिक विपत्ति क्या है? ये जो होगा शारीरिक विपत्ति है, मानसिक विपत्ति है कि किसी ने अगर तुमसे कुछ कह दिया, अब दिन भर तुम उसको सोच सोच करके टेंशन कर रहे हो, उसने मेरा ऐसा कह करके अपमान कर दिया, मुझे दुखी कर दिया, ये मानसिक विपत्ति है। देवों में चार गति में देव जो है ना, उनके यहाँ देखो देव की विशेषता क्या है, उनका दिव्य शरीर होता है, देव कभी बीमार नहीं होते,
देवों के यहाँ कोई बीमारी नहीं होती, देवों के यहाँ कभी हार्ट अटैक नहीं होता ना? वे अगर कितना भी दुख है मरना चाहे तो समय से पहले भी मर नहीं सकते। यहाँ पर वे मरना चाहे कि भैया यहाँ से बहुत होगा इतना अपमान, अब तो यहाँ से चलो, नहीं। और दूसरा, देव कभी बूढ़े नहीं होते, शारीरिक रूप से जैसे कष्ट है इस प्रकार हो रहा, नहीं, जैसा जन्म होता जैसे लास्ट तक वैसे ही रहते हैं, एक सा शरीर। लेकिन शारीरिक सुख उनके पास भरपूर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वो कल्प भूमि में वहां जाओ कल्प वृक्ष सब कुछ मिलता है, दुख किस बात का है सर? दुख इस बात का है कि मुझे उस फलाने जीव की आज्ञा मानना पड़ती है, वो कहता है जाओ जो करके आओ। बड़े देव ने छोटे देव को आज्ञा दी, ये सबसे बड़ा मानसिक दुख अगर है तो कौन सी गति में आज यही हो रहा है। एक दूसरे की यहाँ पर भी अपन हरिओं हमें भी आर्डर चलाते हैं, हमसे क्यों कहते हैं? क्या हम नहीं जाना था? क्या हमारे पास नहीं है क्या? जो तुमने है तुम्हें करना है तुम करी आओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये सबसे बड़ी मानसिक दुख है। आज ये हो रहा है कॉमन सेंस, अपन एक दूसरे के प्रति अगर छोटी सी बात होती है, एक किसी ने कहा और अपन ने उसको क्या बना दिया, मान कसाय का विषय बना लिया, हमें ऐसा बोला, मेरे लिए उन्होंने ऐसा कहा, यही सबसे बड़ा मानसिक दुख है। और ये मानसिक दुख आपके लिए दुख का कष्ट का कारक होता है। और वही हो रहा है जब कहीं समूह में रहते हैं, समूह में समाज में रहते हैं, सबसे बड़ी विसंगति अगर कहीं से आती है तो सिर्फ यहीं से आती है। किसी के पास कोई कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, बस समझाने की जरूरत है तो व्यक्ति के मन को, और जिसको समझ में आ जाती विवाद ही नहीं होता, चाहे परिवार में हो चाहे घर में हो कहीं पर भी। ये चीज सबसे बड़ा कष्ट दुनिया में, लोग से कहते शारीरिक दुख से ज्यादा कष्ट होता है व्यक्ति का मानसिक दुख। और वही है आज के समय में, आज का आदमी शरीर से दुखी कम मन से दुखी ज्यादा है। और वो दुख का कारण क्या है कि दूसरा सुखी ज्यादा है हम सुखी कम है, दूसरे के पास संपत्ति ज्यादा है हमारे पास संपत्ति कम है। अरे और उसके पास है उसको पुण्य कर्म का उदय, तुम्हारा है तुम्हारा अपना है, दूसरों को देख करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग करो, घृणा मत करो, दीनता मत रखो। आज वही हो रहा है कि जैसे अपने दुर्दिन कहां से आते, बुरे दिन में घिरा हुआ जैसे गृहस्थ का चेहरा उतर आता है, दीनहीन सा लगने लगता है, वैसे ही जैसे ग्रहण हुआ सूर्य प्रभाकर के नीचे राहु आ गया, उसने ग्रसित किया इस धरती पर, ऐसा हो गया जैसे दुर्दिनों में गृहस्थों की चेहरे की दशा होती है, दरिद्री की ग्रही की दशा हुआ करती है। मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, और इस प्रकार के दुखों को करता हुआ इस तरह तरह की विपत्तियों को, एक विपत्ति हो गई शारीरिक विपत्ति, एक मानसिक विपत्ति हो गई, और एक विपत्ति कौन सी प्रकृति कित कहो, कर्म के उदय से आने वाली स्वाभाविक विपत्ति कहो, इसको आप हाँ संपत्ति कृत विपत्ति तुम्हारी यही से जो है वही संपत्ति तुम्हारी विपत्ति का कारण बन जाती है। ऐसी ही तरह तरह से वहां दशा गृहस्थ की दशा होती है, दुर्दिन इसको कहा गया। तो उस समय ग्रह जन पड़ लगा तो ऐसा दुर्दिन चौधकने लगा धरती पर,
और क्या हुआ, यह संध्या काल है या अकाल है? अकाल में काल का आगमन ऐसा लग रहा है कि अभी तो भैया 2 बजे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य ढल गया हो। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन? समय नहीं था, अचानक अकाल। काल का क्या अर्थ है? बोले कि यमराज जैसा आगमन हो, जैसे यमराज का आगमन हो गया हो। कोई मरना नहीं चाहता और अचानक उसके पास क्या गई, मौत आती, मरना हो गया। लोग सती बताओ, इतना भरा पूरा सब स्वस्थ था, अच्छा था, और अचानक बिना काल में समय से पहले मौत जैसी वही हुआ। अकाल में काल का आगमन तलक से भी रहत। देखो साहित्यिक छंद की यहाँ पे एक सुंदर रूप से बना है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे तिलक से भी रहत लवला ललाट स्थल सम गंगनांगन का आंगन। बहुत सुंदर है, जैसे एक तिलक से भी रहत स्त्री की दशा कही, एक स्त्री जो है जो जिसके सिंगार पर अच्छी माथे पर तिलक हो, मांग भरी हो, तो उसको सुंदर स्त्री कहा जाता है, है? लेकिन अगर पति का वियोग हो जाता है तो उस पति का पत्नी की दशा कैसी हो जाती है? बोले कि विधवा का जीवन उसको नीरसता जैसी लगती है। वही कल्पना की तिलक से भी रहे माथे पर तिलक ना हो, सुना सुना सा लगता है उसको। ललना ललाट तल सम, ललना करते स्त्री नारी, ललना है स्त्री, ललाट जैसे स्त्री के ललाट पर अगर तिलक से रवि रहे हो उसका जीवन कैसा लगता है? नीरस सा लगता है। वैसे ही उस समय चार कल्पना की यहाँ पे देखो, पहले संध्या काल सा लगने लगा, फिर बाद में जैसे अकाल में काल का आगमन हुआ हो, तीसरा क्या दिया, तिलक भी रहत ललना ललाट सम तल सम, जैसे उस पति से रहत उस स्त्री का जीवन बिल्कुल नीरस निराग जैसा हो जाता है, उसको कोई अच्छा नहीं लगता। वैसे ही सूर्य ग्रहण होने के कारण से गगनांगन गगन रूपी आंगन जो अपन देख रहे हैं, गगन रूपी आंगन गगनांगना का आंगन, गगन रूपी अंगना का ये आंगन अविराम कहाँ रहा? अविराम अर्थात सुभित सुंदर कहाँ रहा? सब सुन्नता से अच्छा भी है। और क्या हो रही है, दिशाओं की दशा बदली, जीर्ण जोर सा ग्रसित काया सी, जब आपकी दिशाएं की दशा कैसी होगी बदल गई। कोई व्यक्ति को बहुत दिन से बुखार आ रहा है, कैसी बदली है, कि जैसे जीर्ण जोर ग्रसित काया सी, बहुत दिन से बुखार से ग्रसित जैसे काया उसकी क्षीण हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, ऐसी वह दिशाओं की दशा हो गई बिल्कुल जीर्ण जड़ के समान है। कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल बंधु नहीं दिखा सो कमल दल मुकलित हुआ, यानी भी कमल भी बंद हो गए। कामनीचा में कमी आई, अक्रम बन का उपवन का जीवन हुआ मिटता सा लगता है, और पवन की पीवन संजीवनी लुटता सा लगता है।
यानी हवाएं भी उस समय ऐसी लग रही हैं जैसे रूखी सूखी सी पीपल, यानी वाकी पावनता संजीवनी जो दूसरों को संजीवनी देती देती है, वे भी हवाएं लुटती सी जैसे लुट गई हो, कुछ भी नहीं बचा हो उनके पास, लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, क्योंकि सूर्य जो दिन में जो पवन का माहौल होता है वो उसके साथ उसकी कहना ही क्या, तो वही अग्नि मित्र है ना पवन का। पवन और आग की मित्रता होती है क्योंकि ये एक दूसरे के मित्र होते हैं, जैसे पवन चलेगी उतनी उतनी अग्नि और बढ़ेगी। अगर अग्नि का वैरी अगर कोई है तो क्या है बताओ, पानी, इनमें शत्रुता होती है। हाँ तो इसमें इस प्रकार ये समुद्रवाद दोनों के कारण से, दोनों का वायु के कारण से उनका विकास होता है, लेकिन जैसे ही अब आयु उसमें अग्नि पर पानी का संयोग पड़ जाए तो फिर क्या होगा, बैठ जाएगा। कितना भी बड़ा भयानक आग का तूफान क्यों ना हो, अगर पानी का संयोग बनता है तो आग उस समय हो जाती है, और हवा का संयोग बनता है तो बोले कि आग लगी और हवा और कर दो तो और ज्यादा वो बढ़ती चली जाती है। वही है अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य, इसलिए सूर्य के साथ पवन का अनोखा संबंध है, हमेशा वातावरण में तभी प्रवणता बनाए रखता है। अरुख अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज, क्योंकि जब सूर्य क्या हो गया है, अभी ये सूर्य ग्रहण की बात चल रही है, वहां ऐसा हो रहा है। मित्र की आजीविका लुटती देख, क्योंकि सूर्य को ग्रसित हो गया, राहु के विमान ने उसको ग्रसित कर दिया है, तो पवन के भी पैर क्या हो गए हैं, थम गए हैं आज। क्यों? मित्र की आजीविका लुटती सी देख, अग्नि का मित्र पवन, या जैसे सूर्य के उदय में जो पवन की मित्रता थी क्योंकि वह तेज तत्व का स्रोत था, तो उसकी लुटती सी देखा। मासूम ममता की मूर्ति स्वैर विहारी स्वतंत्र संगी संगीत जीवी सैमी तंत्री सर्व संगों से मुक्त निसंग अंग ही संगातीत संगी जिसका संग समाज से भी। यहाँ तुलना की जा रही है किसी दोनों की मित्रता का, कैसे अग्नि और उनकी, जैसे मासूम ममता की मूर्ति हो एक दूसरे के लिए। स्वेर सोबेर विहारी स्वतंत्र संगी हो, अपने किसी प्रकार का अपने किसी से वैर भाव नहीं, स्वतंत्र विहारी और ऐसा संगी है। संगीत जीवी सैमी तंत्री है, जिसको संगीत में ही आनंद आता है उसको वो मधुर मिल जाता है तो वो तन्मय हो जाता है। बिल्कुल सर्व संगों से मुक्त निसंग, जैसे एक साधु है जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है, कहीं भी बैठा जाए कहीं भी चला जाए निसंग, ऐसा साधु। अंग ही संगातीत संगी जिसका, मात्र उसका अंग ही उसका संगी है, पर वही संगीति उसकी संगति न संगति ही संगी जिसका संग समाज से भी, वह हमेशा संग है समाज है उसकी सेवी करने वाला है। वासल पूरे वक्षस्थल, इसका वासल से भरपूर वक्षस्थल यानी हृदय है। तमो रज अवगुण हनि, तमो गुण यानी तामसता के गुण से
रहित अवगुण, ये अवगुण है उससे हनी, जिसने हनी है दूर कर दी है। सतुगुणी श्रम गुणी धनी, और सतुगुणी यानी सज्जता के गुण से भरा हुआ है हमेशा। श्रम गुणी प्रसार्थशील, ऐसा प्रसार्थशील का धनी, सतुगुणी श्रम गुणी गुण धनी, वैर विरोधी वेद बोधी, वैर का विरोधी है और वेद का बोधी है। अपने आप की पर्याय गत उसका जानने वाला है कि मैं कौन हूँ कैसा हूँ, ऐसा वेद, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है ना, वेद का अर्थ वेद बोधी यानी वेदों को अच्छी जानने वाला भी है। संध्या की शंका से शंका कुल, संध्या की शंका से शंका कुल, आकाश में भय से व्याकुल, जब ऐसा अंधेरा सा छा गया तो उस समय ऐसा हो गया कि संध्या की शंका से शंका कुल हुआ, आकाश में भय से व्याकुल हुआ, जिसके पंख भर आए स्लाथ पक्षी दल हुआ, स्लाथ स्लाथ मैंने थका हुआ, जैसे दौड़ते उड़ते जब पक्षी होता है ना तो उसके भी क्या भराते हैं, पंख भराते हैं, जैसे आपके चलते चलते पैर थक जाते हैं वैसे पक्षियों के भी उड़ते उड़ते उनके पंख भी क्या हो जाते हैं, भर आते हैं, उनको भी बैठना पड़ता है वे भी कुछ समय के लिए। ऐसे बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं ये इनका कोई एक जगह निश्चित नहीं होता, आज यहाँ है उड़ते उड़ते और उनके सदा विहारी अनियत विहारी, उनको कहाँ, जहाँ वृक्ष मिल गया वही रात, जहाँ जाए उनके लिए कुछ दाने पाने की जरूरत है, वे कभी किसी दुकान की जरूरत है ही नहीं है, मिल गया तो खाया नहीं तो हवा में ही जीवन बिताया, ऐसे ही उनका जीवन है। ऐसे जिसके पंख भर आए हैं स्लाथ पक्षी दलवा, विहंग दृश्य दर्शन छोड़, ऐसे विहंग दृश्य के दर्शन को छोड़, अपनी अपनी नीडों में सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी अपनी नीडों में आ, मौन बैठ जाता है जिनका तन, यानी वो है सूर्य का ग्रहण होते ही संध्या होती ही सारे पक्षी अपनी अपनी नीडों में लौट करके आकर के बैठ जाते हैं, मौन बैठ जाते हैं, बैठ जाता है जिनका तन, और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिनका मन। ऐसा क्या हो गया अचानक अंधेरा क्यों हो गया, ऐसी चिंता में सुदूर गहनता और चिंतन में, ऐसा जैसे अपन कोई किसी को हो जाते ना गहन चिंतन में डूब जाते हैं, काय हुआ कैसे हुआ, गहनता में उसमें डूब गया, बैठ जाता है जिसका मन कंपित है अनुकंपा से अनुक्षण प्रत्येक क्षण ऐसे दया भाव से भरा हुआ है, सो तन में कंपन है उसके, इस प्रकार के अनुकंपा से भरा हुआ उसका क्षण है, कंपित है अनुकंपा से जिसका अनुक्षण, सो तन उसका कैसा है, कंपित है, अंदर के आद्र कण आर्थ के कारण बाहर आकर कर आ कर क्रंदन कर रहे हैं, अंदर के आदृत कण यानी दया करुणा प्रेम भाव, आदृत यानी भींगा हुआ हृदय, ऐसा एक रूखा हुआ, अरे तमाम हृदय तो पूरा पत्थर है ऐसे कहते ना अपन, और इसका भैया ये दूसरों के कष्ट देखते ही इसका हृदय तो पानी पानी हो जाता है, दया के भाव से भर जाता है, इसको आदृत हुआ उसका आद्र यानी अंदर की आद्रता के कण आर्थ के कारण बाहर आकर क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये तो कल के ही कर्ण है परंतु खेद है कल का रव है ना,
ये तो कल के ही कर्ण है, परंतु खेद है कल का रव कहाँ है, वह कल राव। यहाँ पे कल का यानी जो जो कल जो माहौल था कितनी चहक थी, जैसे पंछी जब मिलते हैं सब आपस में कैसे होते हैं, मिलते हैं चहकते हैं पूछते हैं मिलते हैं, तो भी सब के सब डर करके कहाँ पहुंच गए अपने नींद में, वो सोच करके विचार करके चिंतन, देखो कितनी कल आते थे आपस में मिलते थे, कितना अच्छा आपस में हम एक दूसरे से बातचीत करते थे, कल रव करते थे, तो वह कल का रव आवाज, रव का अर्थ क्या है आवाज, वह कल का रव कहाँ है, वह कल रव मिलजुल करके जो एक साथ बोला करते थे वो कल रवाज दिखाई दे रहा है सबके सब, कल कंठ का कंठ भी कुंठित हो गया, जो कल करने वाला बोलने वाला कंठ ऐसा का कंठ भी कुंठित हुआ, बल उपबल नंदन में केवल भर भर आया है करुणा क्रंदन आ क्रंदन, बस उसके मन में करुणा दया का क्रंदन भरपूर भरा पड़ा है। काक कोकिल कपोत में, काक यानी कौआ, कोकिल यानी कोयल, कपोत यानी कबूतर, ऐसे कबूतर में चील चिड़िया चातक चित्त में, देखो अनुप्रास्को बोलते हैं, चील चिड़िया चातक चित्त में, साहित्य की बैठाने कवि की संयोजना है, चील है चील पक्षी है, चाचा की जितनी चिड़ियाएं हैं और चातक पक्षी उसके चित्त में, बाघ भेड़ बाज बक में, बकों में बाघ है भेड़ है बाज है और बक, इनमें बकों में सारंग कुरंग सिंह अंग में, सारंग का अर्थ क्या होता है, देखो एक पक्षी है उसका नाम सारंग होता है, कुरंग है जिसका रंग, सिंह अंग में, कुरंग शायद हिरण को भी कहा जाता है, ऐसा एक शब्द मिलता है कुरंग, तो ऐसे उनके सिंह अंग में, खग खरगोश खरव खालों में, खगो नहीं खग, खग यानी जोड़ने वाले पक्षी जितने भी हैं, पक्षी का नाम एक खगचर भी अपन ऐसे कहते ना, नवचर है खगचर है थलचर है, तो जितने भी खग यानी पक्षी आते हैं सारे के सारे खरगोशों में, खरों खरों में और खालों में, ऐसे उनमें ललित ललाम लजीम लताओं में, ललित अच्छी सुंदर सुंदर, ललाम दिखने वाली अच्छी सुंदर, लजीर यानी कोमल कोमल लताओं में, पर्वत परमोन्नत शिखरों में, प्रौढ़ पादपों व पौधों में, पल्लव पत्तों पल फूलों में, ग्रह वेदना का उन्मा उन्मेष देखा नहीं जाता, निवेश भी सो इन सब ने देखा, एक सूर्य ग्रहण के समय क्या हो रहा है, प्रकृति चित्रण जीवों की परिणति कैसी हो रही है, सब के सब ग्रह वेदना के उन्मेष में, यानी सूर्य के अभाव में उनकी दशा कैसी हो रही है, उसकी ग्रह वेदना देखा नहीं जाता, निवेश भी एक क्षण भी सो संकल्प लिया पक्षी दल ने कि सूर्य ग्रहण का संकट है, जब तक दूर नहीं होगा तब तक भोजन पानी का क्या, ये बात सही है कि जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ऐसे ग्रहण काल में भोजन पानी नहीं करना चाहिए,
है, सूतक मान है, ये अपने यहाँ पे भी कहा है। हाँ, चंद्रग्रहण था, फिर भी लोग खीर खा भी मौज मच्छी अच्छे मस्त थे, क्योंकि फ्री में बट रही थी, बोले कि आज मना रहे लेकिन लोगों को ऐसा आज बता रहे थे कि रात में महाराज रात में 3 बजे और इतने बजे हमारे यहाँ जो हो रहा था वो हो रहा। उनकी अच्छी बात है, अपने यहाँ लिखा है कि जब जिस दिन ग्रहण हो उस दिन स्वाध्याय नहीं करना, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना। जिस दिन ऐसे समय ग्रहण पड़ रहा हो, जैसे एक बार की मुझे मालूम है, शायद कहाँ कुंडलपुर की, कुंडलपुर की बात है, तो आचार्य सिंह से कहा कि आचार्य सिंह 9:30 बजे तो सूर्य ग्रहण होना है। तो आचार्य सिंह के तो भैया ग्रहण काल में आहार चर्या को नहीं जाना है, तो शायद मुझे ऐसा ग्रहण के पहले आहार चर्या हो गई थी के बाद में कुछ बाद में हुई थी कि ग्रहण हो जाए उसके बाद भोजन भी, ऐसा कहा था। दूसरी वेला में आहार चर्या को उठे थे, ऐसा नहीं, इसका प्रभाव होता है प्रकृति का, इसमें एक एनर्जी अपने एक स्कूल में बताया है। तो इस ग्रहण काल में भोजन पान भी नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय का भी निषेध किया है उस काल में। उस समय करना है तो मंत्र जाप ध्यान आदि करना तो ठीक है, मंत्र जाप ध्यान आदि करना ठीक है। इस काल में कभी भोजन नहीं करना, इस काल में कभी भोजन नहीं बनाना अपने यहाँ, तो फिर भी दूसरों के यहाँ तो भी कहते हैं कि अगर पानी भी भरा होता तो वो पानी ग्रहण के बाद सब कुछ नया पानी भरेंगे, नया भोजन बर्तन साफ आदि करेंगे, पूरी शुद्धि करेंगे, लीपा पोति करेंगे, है ना, पूरे घर की शुद्धि, हाँ मंदिर आदि के जो भी होते हैं, क्योंकि इस समय प्रकृति का चित्रण, इस समय जो वातावरण हो जाता है वो वातावरण एक नीरसता से भरा होता है। और हमारे ये मंदिर आदि जो कार्य है, घर आदि जो कार्य है, विशेष विशुद्धि से युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार हुआ है, पक्षी जल भी सूर्य ग्रहण का संकट जब तक दूर नहीं होगा तब तक किसका भोजन का पान का त्याग, जन रंजन मन रंजन का त्याग, और तो और अंजन व्यंजन का भी त्याग। इस प्रकार सूर्य ग्रहण की परिस्थिति में यहाँ पर मुख माटी में चित्रण किया गया। आज बस इतने, आगे की बात अपन बाद में। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सुवाणी में सत नमो सदा दे थोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन।